नमस्कार आदाब, मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान। न्यूज 21 राजस्थान की ये है खास पेशकश सैल्यूट भामाशाह। सैल्यूट भामाशाह के हर एपिसोड में हम आपको नागौर जिले के किसी एक ऐसे भामाशाह से मिलवाते हैं जिन्होंने काबिले तारीफ काम किया है। पहले एपिसोड में हम आपको लेकर चले थे नागौर जिले की डेगाना तहसील। ये दूसरा एपिसोड है, इस दूसरे एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे नागौर जिले की परबतसर तहसील। परबतसर तहसील में है ग्राम पंचायत गुलर और आज हम बात करेंगे इसी गांव के अमर सिंह राज पुरोहित की, जो समाज सेवी हैं, भामाशाह हैं। लॉकडाउन के साथ ही इन्होंने अपने गांव के युवाओं को जोड़कर एक टीम बनाई। टीम बनाकर ये प्रण लिया कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक वो अपने गांव में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। इस प्रण के साथ ही उन्होंने निश्चय किया कि काम इस प्रकार करेंगे कि हम काम करते हुए मेडिकल एडवाइजरी को भी माने। तो जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अब तक ये काम लगातार जारी है। इनकी सुबह होती है गरीबों, असहायों, जरूरतमंदों के लिए खाना बनाने से और इनकी शाम और रात भी इसी काम में लग जाती है। पूरे तन मन धन से जुटे हैं और अपने ही स्तर पर पूरे गांव का जिम्मा इन्होंने लिया है, किसी को भी भूखा नहीं रहने दे रहे हैं। पूरे परबतसर उपखंड में कई सारे गांव, कई सारे भामाशाह हैं, लेकिन परबतसर उपखंड अधिकारी भी जिस भामाशाह की हमेशा तारीफ करते रहते हैं उनमें से एक हैं अमर सिंह जी राजपुरोहित। चलिए इस विस्तृत रिपोर्ट में आपको लेकर चलते हैं परबतसर के गुलर गांव में और आपको मिलवाते हैं अमर सिंह जी राजपुरोहित से। आइए। नमस्कार अमर सिंह जी। नमस्कार सर। न्यूज 21 राजस्थान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके ग्राम गुलर में भी इस प्रकार के कोई प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। खोकर साहब, मैं इस मौके पर इतना कहूँगा, मैं कोई इतना कोई बड़ा भामाशाह नहीं हूँ, लेकिन मैं CM एवं PM साहब के निर्देशानुसार गरीबों, असहायों की, मजदूरों की, जो लॉकडाउन की टाइम मजदूरी नहीं मिल रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था हम हमारे सभी दोस्त टीम मिलकर के ये व्यवस्था कर रहे हैं। अमर सिंह बताते हैं कि परबतसर के उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मुंड भी कई मौकों पर उनकी इस काम के लिए तारीफ कर चुके हैं। वो उन्हें प्रेरित करते रहते हैं और इस नेक काम में मेडिकल एडवाइजरी की पालना की भी सलाह देते हैं। स्तर पर हमारे जो SDM साहब है मुकेश जी मुंड साहब, उन्होंने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और मुझे मेरे को हिम्मत भी बढ़ाई कि आप ये कार्यक्रम अमर सिंह जी आप चलाते रहो, आपका भगवान भला करेगा। इसके अलावा उपखंड अधिकारी महोदय की तरफ से आपको कोई विशेष निर्देश मिले हो? तो अधिकारी जी ने मुझे ये बताया कि आप जो चला रहे हैं वो ठीक है, इसमें थोड़ा एक मीटर की दूरी रखना, मास्क लगाना, जो ये हमारे साहब ने नियम बताए उन नियम के तहत हम काम कर रहे हैं। अमर सिंह जी, इस प्रकार के सेवा कार्य के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली, मुझे स्वर्गीय गणपत सिंह जी से, और हमारे संत तुलसीराम जी महाराज है, बालोतरा में धाम है हमारी, वहाँ पे हमारे ये भोजनशाला। अपने पिता से प्रेरणा लेकर इस तरह के नेक काम करने वाले अमर सिंह जी के बारे में हमारे चैनल द्वारा आपको इसलिए बताया जा रहा है कि न्यूज 21 राजस्थान का मानना है कि अच्छाई और खुशबू को फैलाना चाहिए। अमर सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे, अगर कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो आपकी क्या कार्य योजना होगी? इसके अलावा आप किस प्रकार से खाने के अलावा और किस प्रकार की जनसेवा आप कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। पत्रकार महोदय, मैं आपको ये कहूंगा कि खाना सब्जी पूरी तो हमेशा दी जा रही है, लॉकडाउन बढ़ेगा तो इसके साथ साथ हम पानी की व्यवस्था भी करेंगे और हम दवाइयों की व्यवस्था भी करेंगे और किसी गरीब को अगर उसके कपड़े नहीं है तो कपड़े की व्यवस्था भी करेंगे। किसी प्रकार की ग्राम पंचायत गुजर में मैं मेरी कमेटी की ओर से मैं ये कहता हूँ ईश्वर को माध्यम रखे कि मैं किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है और मेरा विश्वास है। न्यूज 21 राजस्थान से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थी आज के हमारे एपिसोड के भामाशाह अमर सिंह जी राजपुरोहित की कहानी। हमारे जिले में अमर सिंह जी जैसे न जाने कितने भामाशाह गरीबों की, असहायों की, जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे भामाशाहों को न्यूज 21 राजस्थान सैल्यूट करता है। मैं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी अब लेता हूँ आपसे इजाजत। इसी तरह की कोई नई कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।